नमस्कार मनोज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मनोज एक बार फिर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, बीएड टू इयर्स और बीएड फोर इयर्स। कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं कंप्लीट हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको स्कॉलरशिप से संबंधित आपके संपूर्ण जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, संपूर्ण हम आपको एक ही वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी क्या देने वाले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड में छात्रवृत्ति किन किन स्टूडेंट को मिलेगी। पहला क्वेश्चन तो आप सभी का ये कॉमन है। दूसरा ये है कि बीएड में स्कॉलरशिप कितनी आती है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा ये है कि इसमें स्कॉलरशिप आपकी यानी जो आती है वो कौन कौन सी कैटेगरी को दी जाती है, क्या इसमें परसेंटेज रहता है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह, तो सारी हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। जो भी चैनल के ऊपर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है मेरे मित्रों ने, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो जैसे ही 8 बजे हम मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बीएड और बीएसटीसी से संबंधित अपना समर्पित यह यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ और आपके लिए जो जानकारी वगैरह लेकर के आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शासन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह जो स्कॉलरशिप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है, ये बीएड में दी जाती है। देखो सबसे पहले मैं इस स्कॉलरशिप का नाम बता देता हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम है एस जे ई 2023-24। अब देखो एस जे ई का पूरा नाम क्या, इसका नाम है समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप 2023-24। यानी यह जो स्कॉलरशिप है इसका पूरा नाम है समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजना है। और अब हम बात करते हैं ये किन किन स्टूडेंट को दी जाती है। ये अगर बात करें ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो तो एक तो दी जाती है बीएड के स्टूडेंट को दी जाती है, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर। और इसी में अगर बात करें तो आप जो 2 साल वाले बीएड वाले हैं उन बीएड डिग्री धारी को दी जाती है, और जो 4 ईयर वाले बीएड कर रहे हैं उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीएड 2 ईयर्स को दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एक तो बीएड के स्टूडेंट को दी जाती है, यानी कंप्लीट आपको ये जानकारी यहाँ से मिल गई है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें आवेदन और कौन कौन कर सकते हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखो ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम इनमें से कोई भी जो कोर्स कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन जो कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू तक आप जो लास्ट तक आपको देखना है शुरू से। तो अब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी जो कैटेगरी को दी जाती है उसके संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ। तो उनसे संबंधित अगर बात करें, जैसे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इनमें आप सभी को पता होगा स्कॉलरशिप है इसमें कितनी दी जाती है। जैसे अगर बात करें अगर आप बीएड कर रहे हैं, आप सभी को पता है बीएड में जो आपकी जो टोटल फीस होती है फर्स्ट ईयर में अगर बात करें, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो नए हैं, अभी नए नए स्टूडेंट जिन्होंने पीटीटी के थ्रू अभी ये जो काउंसलिंग करवा के एडमिशन लिया है और कल लिया जो इनकी आई थी लिस्ट भी आई थी अपवर्ड मूवमेंट की, तो उन सभी स्टूडेंट को इसमें अप्लाई करना है। तो अब हम बात करते हैं इसमें आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपकी जो फीस होती है, आपको पता है पहले तो आपसे ली थी 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी आपसे ली थी 22,000 रुपये, ठीक है। टोटल इनकी फीस हो जाती है दोस्तों 27,000 रुपये फर्स्ट ईयर की, आप सभी को पता है। जो इस योजना में जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म जो ये जो भरेगा उसमें इनको 27,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी बीएड के स्टूडेंट को, जो साई फर्स्ट ईयर का हो, साई सेकंड ईयर का हो, और साई फोर ईयर वाला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर ईयर कोई भी स्टूडेंट हो, उनको प्रति वर्ष 27,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो बीए वगैरह करें, यानी जो ग्रेजुएशन करें बीए, बीएससी, बीकॉम, उनमें अगर बात करें जो उनकी जो जैसे वो फर्स्ट ईयर में, अगर वो सेकंड ईयर में, अगर वो फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, उन सभी को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे मान के चल सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट की जो टोटल फीस अगर बात करें, अगर 10,000 रुपये उनकी अगर फीस है तो उनको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनके अकाउंट में वो भेज दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी जो कैटेगरी को दी जाती है उसके संदर्भ में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये जो छात्रवृत्ति है वो कौन कौन सी कैटेगरी को दी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है एससी, एसटी, और इसके अलावा अगर बात करें तो ये दी जाती है ओबीसी में। ओबीसी में आप देखो कौन कौन सी दी, ओबी, हाँ ये दी जाती है ओबीसी में, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ ओबीसी।
अब देखो ओबीसी में किस किस को दी जाती है। ओबीसी में यह जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो दो कैटेगरी को दी जाती है। एक तो दी जाती है बीपीएल को, बीपीएल ओबीसी को, और एक दी जाती है स्टेट बीपीएल को। यह जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी एपीएल है ना, एपीएल जो होते हैं, एपीएल एपीएल जो ओबीसी है उनको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनको दूसरी स्कॉलरशिप मिलती है। वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, जिनकी अभी जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ओबीसी में यह एपीएल को नहीं दी जाती है, ओबीसी बीपीएल ओबीसी स्टेट बीपीएल को दी जाती है, एससी एसटी को दी जाती है। बाकी अगर बात करें, अगर कोई तलाकशुदा वगैरह है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है पीडब्ल्यू कैटेगरी का, बाकी विधवा वाले उनको दी जाती है ना। और इसके अलावा अगर बात करें जो विकलांग वाले उनको स्कॉलरशिप यह दी जाती है, और बाकी जो घुमंतु परिवार वगैरह वाले हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। आपको सभी को स्कॉलरशिप या फॉर्म भरना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें जो, जैसे अगर बात करें एस सी एस टी और ओ बी सी बी पी एल और स्टेट बी पी एल, तो उन सभी स्टूडेंट जो होते हैं जैसे गर्ल्स बॉयज उन सभी को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। अब हम बात करते हैं एस सी एस टी की ये स्कॉलरशिप है वो टोटल इनको कितनी प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी आपकी फर्स्ट ईयर में टोटल 27,000 आपकी फीस लगती है। तो यहाँ पर अगर बात करें एस सी एस टी को जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो टोटल अगर बात करें तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 28,950 रुपये फर्स्ट ईयर में, और इतनी उनको सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। अब हम बात करते हैं इनके जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, क्या इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, समाज कल्याण विभाग के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इनका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट हो। अब देखो इनका स्कॉलरशिप जो फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनोज एजुकेशन नाम से टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। अगर वहाँ से आप नहीं हो पाते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना मनोज एजुकेशन, जो अपने इसी YouTube चैनल का जो लोगो आपको देख रहा है इसी प्रकार का आपको लोगो मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको समय समय पर बीएड से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप से रिलेटेड एग्जाम, एग्जाम फॉर्म, बाकी संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर वहाँ पर है वो सबसे पहले दी जाती है। तो वहाँ पर आप एक बार ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यह जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी कैटेगरी को नहीं दी जाती, यानी समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप अगर बात करें तो ओबीसी एपीएल एपीएल को यह स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, जनरल को यह नहीं दी जाती है, ईडब्ल्यूएस को यह नहीं दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ओबीसी एपीएल जनरल और ईडब्ल्यूएस को कौन सी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, तो आई बटन में यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। अभी उनके फॉर्म तो पहले बहुत जल्दी उनके स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन अभी इनका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। आप 31 अगस्त से पहले पहले इनके स्कॉलरशिप जो फॉर्म ये भर देना, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना। अब हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी योग्यता क्या होती है। जैसे योग्यता का मतलब है इनकी डॉक्यूमेंट जो आपकी पता होना चाहिए, जैसे अगर बात करें अगर कोई एस सी एस टी का स्टूडेंट है तो उनके लास्ट ईयर में कम से कम उनके 50% होने जरूरी है, 50% एस सी एस टी के जरूरी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। बाकी अगर बात करें जैसे स्टेट बीपीएल वाले, जैसे वो है ना ओबीसी वाले स्टेट बीपीएल और स्टेट बीपीएल, तो उनके लिए भी 50% होने जरूरी है जनरली। बाकी हम यहाँ पर बात यह कर सकते हैं इनके जो आपकी वार्षिक आय होती है वो क्या है, एस सी एस टी के लिए अगर बात करें एस सी एस टी, तो देखो सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र के बारे में और आपकी जो परिवार की जो इनकम उनके बारे में आपको सभी को जानकारी होनी चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में आपकी एक में जो आय बता रहा हूँ वही लिखना है। एस सी एस टी की अगर बात करें तो आपको लगभग अगर बात करें 2.5 लाख से ज़्यादा आपको आय नहीं लिखनी है, 2.5 लाख से ज़्यादा आपको आय नहीं लिखनी है। जहाँ तक अगर आप मेरी बात मानते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप 101% अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको 1,47,000 रुपये से ज़्यादा आपको आय अपने आय प्रमाण पत्र में नहीं दर्शानी है। ठीक है, और ओबीसी बीपीएल वाले और ओबीसी स्टेट बीपीएल वालों को भी कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा उनको आय है वो नहीं लिखनी है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको लास्ट ईयर की आपको मार्कशीट चाहिए, यानी कि आपने लास्ट ईयर की मार्कशीट का मतलब ये है कि आप जैसे 2 ईयर्स बीएड वाले हैं तो उनकी ग्रेजुएशन की जो 3rd ईयर की मार्कशीट है वो आपको लगानी है। अगर आप 4 ईयर वाले हैं, जैसे आप 1st ईयर में 4 ईयर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपके 12th का जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लगानी है। अगर आप 4 ईयर वाले हैं और आप जो 2nd ईयर में हैं बीएड में तो आपको जो 1st ईयर की जो मार्कशीट है यानी कि जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो आपको इसमें लगानी अनिवार्य है। इसी के साथ में यानी कि मार्कशीट
इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए आपका जो जन आधार है, जन आधार 101% आपका चाहिएगा, 101% आपका जन आधार होना जरूरी है। और बाकी अगर बात करें, यहाँ पर आपका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो वहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा, अगर ओटीपी नहीं आएगा तो वहाँ पर आपकी जानकारी वो सबमिट नहीं हो पाएगी। इसी के साथ में चार आपके ये हो गए हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका सबसे महत्वपूर्ण है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, कितनी आय होनी चाहिए मैंने अभी बता रखा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखो मूल निवास क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि यह जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये वो केवल राजस्थान के निवासियों को ही दी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो बाहर का यानी अदर स्टेट का है और वो राजस्थान में बीएड कर रहे हैं, वो SC का हो ST का हो, लेकिन उनको स्कॉलरशिप ये नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मूल रूप से राजस्थान का होना चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्थान का मूल निवास भी चाहिएगा, बाकी राजस्थान का इसमें जनाधार भी चाहिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, इसमें मूल निवास हो गई है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका है फीस की रसीद। फीस की रसीद कौन सी सर? फीस की रसीद अगर बात करें तो 5,000 प्लस 22,000 रुपये की जो फीस की रसीद है, दो आपको चालान है, वो आपको इसमें लगाना है। अगर आपके पास वो अभी तक नहीं है तो आपको जाना है PGT की ऑनलाइन जो वेबसाइट है, गूगल पे ऊपर सर्च करना है, वहाँ पर उसके ऑप्शन जो आपके 2 ईयर्स वाले वो 2 ईयर्स पे करेगा क्लिक, जो 4 वाले वो 4 पे क्लिक करेगा। और उसमें लिखा हुआ मिलेगा रिसिप्ट प्रिंट 22,000 रुपये की और 5,000 रुपये की, दोनों के ऊपर वहाँ पे आपको क्लिक करके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं, ये इतना हो गया है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरल EWS और जो OBC APL वाले हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और उनमें अगर बात करें तो उनको 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। जल्द से जल्द आप आवेदन कर देना, और आवेदन करने आपको ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको यहाँ पर अगर बात करें तो आपको वो ऑनलाइन आवेदन होगा, और उसके बाद में आपको इनकी जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में आपको जमा नहीं करवानी है। ये हो गया मुख्यमंत्री का। तो अब समाज कल्याण विभाग में अगर बात करें, अगर आप एक बार आवेदन यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी वो सही टू सही आपको राइट टू राइट आपको करनी है। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम सॉरी यहाँ पर जो आपका जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, तो उसके लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो कॉलेज अलाउट हुआ है उसमें आपको जा करके उनकी आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक करवाना है दोस्तों, है ना, बायोमेट्रिक आपको करवाना है। यानी वहाँ पर आप स्कॉलरशिप जो पोर्टल है वहाँ पर इस कॉलेज में आपको जा करके आपको अंगूठा आपको देना होगा, जरूरी है। अगर आप अंगूठा वहाँ पर इन बायोमेट्रिक अगर आप नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपका जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार अगर बात करें आपका जो मोबाइल का लॉक है, अगर आप जब तक आप नहीं खोलते तब तक आपको पता ही कोई भी इसको नहीं खोल सकता है, उसी प्रकार जब आप कॉलेज में बायोमेट्रिक करते हैं तभी आपका एग्जाम जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा DLO के पास में, तब वो आगे वो पेमेंट के लिए जो देखेगा कि क्या इसमें संपूर्ण जानकारी सही वगैरह है या नहीं है वो देख करके उसमें उसके बाद में वो समाज कल्याण विभाग को जो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट स्टेप रहना है, आपको केवल एक बार बायोमेट्रिक करवाना है, उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य नहीं है। ये कंप्लीट जानकारी थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर आपका क्वेश्चन क्वेरीज डाउट वगैरह है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।